हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में, के डेफिनेशन, इसके स्ट्रक्चर एंड इसके कुछ यूजेस। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंप्लीटेड एट द पॉइंट। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक वर्ब टेंस है, वर्ब का समय है जो एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पे कंटिन्यू हो रहा होता है एंड एक पॉइंट पे जाके कंप्लीट होते हैं। जैसे कि आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर वन आवर, ठीक है, फ्यूचर में मैं एक घंटे से पत्र लिख रहा हूँगा और ये एक पॉइंट से शुरू होता है फ्यूचर में और एक पॉइंट में जाके खत्म होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के विषय में जिसके बिना ये टेंस जो है एकदम अधूरा सा रहता है। सो पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में जो स्ट्रक्चर रहता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये स्ट्रक्चर के साथ हम किसी को आंसर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम अफर्मेटिव है। सो एग्जांपल में है, आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बाय नेक्स्ट जून। मतलब है कि मैं अगले जून तक 3 साल के लिए इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर में, इन फ्यूचर। सो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आईएनजी फॉर्म। आईएनजी मीन जिसमें जैसे वर्ब का 4 फॉर्म जो होता है, जैसे स्टडिंग हो गया, टॉकिंग, ईटिंग, ये सब आईएनजी वाला फॉर्म है। सो एग्जांपल है, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बाय नेक्स्ट जून, ठीक है, नेक्स्ट जून तक मैं 3 साल के लिए इंग्लिश जो है नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर। नेगेटिव जो है हम किसी को आंसर करने के लिए, लेकिन नकारात्मक रूप में किसी को आंसर करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। एंड इंटरोगेटिव जो है हम किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, और उसके लिए आपको विल को आगे रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब आईएनजी। एग्जांपल है, विल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स बाय नेक्स्ट जून। अगले जून तक क्या मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है किसी को तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर प्रयोग करना होता है। सो यहाँ पर मैंने एक ही सब्जेक्ट के साथ सारे सेंटेंसेस बनाए हैं सारे स्ट्रक्चर्स में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना होता है, और अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो मेरी लाइव वीडियो में जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा 12 टेंस का स्ट्रक्चर समझा दिया हूँ। चलिए अब बात करते हैं कुछ यूजेस के विषय में। पहला है एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, ठीक है, कोई ऐसी एक्शन जो एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। जैसे आई विल हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 5 ईयर्स बाय द टाइम आई ग्रेजुएट। जब मैं ग्रेजुएट हूँगा तब तक मैं 5 साल के लिए फ्रेंच सीख रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरीके से दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स बाय नेक्स्ट ईयर। अगले साल से वे इस घर में 10 साल से रह रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेंगे तो उस क्षण हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट यूज है द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। कोई ऐसी कार्य होगा जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कंप्लीट किया जाते हैं। आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स बाय द टाइम इट इज पब्लिश, ठीक है, जब इसको पब्लिश किया जाएगा तब तक मैं 2 साल से इस बुक को लिख रहा हूँगा। और उसी तरीके से नेक्स्ट डे दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 ईयर्स बाय द टाइम इट इज कम्प्लीटेड। जो ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा तब तक मैं 3 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँगा। और उसी तरीके से तीसरा यूज है एक्शन दैट विल हैव अ कनेक्शन टू अ प्रेजेंट, ठीक है, ऐसी कोई एक्शन होगा फ्यूचर में जिसका कनेक्शन प्रेजेंट तक भी रहता है। जैसे बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स एंड आई विल बी एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। अगले साल तक मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, सो इसलिए मैं प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन मिलने का जो कनेक्शन जो है सब्जेक्ट के साथ, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट तक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, बाई द टाइम आई अराइव दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स एंड दे विल बी वेरी टायर्ड। जब तक मैं पहुँचूंगा, ठीक है, वे 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे होंगे और वे बहुत ही क्या होगा, थके हुए होंगे। सो यहाँ पर भी कनेक्शन जो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, जो 2 घंटे से प्रतीक्षा करने का जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट तक है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाला वीडियो देख सकते हैं।